अरे हीरा 5 मिनट और रुक जा। कान में रोई लगा के रखा क्या? सुनाने देता, कंपनी का घंटा बज गया है। मैं फोरमैन हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे तुम चाहे फोरमैन हो या फाइव मैन हो या वॉचमैन हो, एक बार कंपनी का घंटा बज गया तो अपन किसी मैन को नहीं पहचानता है, समझा? परवरदिगार करे तुम्हारा भी सत्ता नाश हो जाए। गफूर भाई, अरे ये किसकी माँ बहने कर रहे हो? अरे बेटा हीरा, क्या बताओ, इस कंबख्त सेठ जी के पास अपनी बेटी की शादी के लिए 2000 रुपए मांगे थे एडवांस में, कंबख्त ने देने से इनकार कर दिया। गफूर भाई, तुमको मांगने का स्टाइल नहीं आता है। स्टाइल? अरे बेटा, जब मैं इस कंपनी में आया ना तो तुम्हारे साइज का था, 30 बरस काम करते करते घिस घिस के इतना रह गया हूँ। जब बेटा तुम 30 बरस तक काम करोगे ना तो मुझसे भी छोटे हो जाओगे, और मुझको स्टाइल सिखा रहे हो? गफूर भाई, आप उनका तो स्टाइल ही अलग है। देखो, डब्बे के अंदर से घी निकालना होता है ना तो थोड़ा उंगली टेढ़ा करना होता है, ऐसे सेठ लोग की तिजोरी से माल निकालना होता है ना तो थोड़ा चाल टेढ़ा करना होता है। अरे बेटा, मैं गरीब आदमी, क्या टेढ़ी चाल चलूंगा? फिर वही पोकल बात, सलाह अपन मजदूर लोग की बिरादरी में यही तो बुराई है। अपन लोग अपना गरीबी का लेबल माथे पर लगा करके मजबूरी का पोस्टर थोबड़े पर चिपका करके घूमता फिरता रहता है, उसे देखकर ऐसे सेठ लोग अपन से फायदा उठाता है। गफूर भाई, अभी तुम इधर ठहरो, अपन तुमको इस सेठ से माल निकालने का नमूना दिखाता है। नहीं नहीं बेटा, मुझे हाथापाई बिल्कुल पसंद। अरे हाथ कौन चला रहा है गफूर भाई, जब बात से काम निकल सकता है तो हाथ चलाने से क्या फायदा? हा? तुम देखो वो जो सामना। अरे सीधा सीधा बोलो, नहीं क्या बोलना चाहता है? सीधा ही बताता है इसे। एक इंस्पेक्टर 4 हवालदार राउंड अप करता हुआ इधर आया, ट्रक को देखा, ट्रक को रोका, ट्रक के अंदर झांक के देखा तो लफड़े का माल। अपन दौड़ के उधर से आया, इंस्पेक्टर बोला अपन ये ट्रक इसके अंदर सारा माल अपने कब्जे में करता है, तुम बिना टैक्स दिए पिच्छू के गेट से माल निकालता है। ये तो बोलो सेठ, तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि अपन उधर बैठा था, नहीं तो आज तुम इधर नहीं जेल में बैठा होता। तो इसका मतलब पुलिस ने हमारा ट्रक पकड़ लिया है? और नहीं तो क्या, अपन क्या इतनी देर तक तुमको पिक्चर का स्टोरी सुनाता है क्या? ये कितने बजे हुआ? अभी सेठ, सूरज डूबने से सूरज निकलने तक अपन के लिए रात होता है, घड़ी तो आने की टाइम बता देते। लफड़ा तो हुआ है सेठ, फिर भी अपन इंस्पेक्टर को मस्का लगा के हाथ पांव जोड़ करके पटाया। देखो सेठ, अपन तुम्हारा नमक खाया है, तुमको जेल का हवा कैसे खाने देगा? फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, 2-4 क्लाक तक तो वो बाटली के अंदर घुसता ही नहीं इंस्पेक्टर, फिर पटा पटा के उसको बाटली के अंदर घुसेड़ा, ऊपर से पूछ मार, तब वो बोला 5000। 5000 रुपया लगेगा, नहीं तो तुम्हारा कंपनी का बैंड बज जाएगा। अभी क्या है इससे, वो अपना हवलदार इधर भेजेगा, उसको पैसा दे देने का है, लफड़ा खत्म करने का। इधर आओ, वो देगा इंस्पेक्टर का हवलदार, अभी उसको जाकर के रुपया छिड़का देने का है। क्या नाम बोला तुमने? हीरा। हाँ हीरा। हाँ सर। ये 5000 रुपए हैं, तुम जाकर पुलिस को पटा दो। अरे सेठ, काय को मेरे को ये सब लफड़ा में डालता है? क्या है, अभी अपन का दाखला नहीं हुआ है, फोकट में अपना नाम पुलिस की डायरी में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी सेठ। कुछ नहीं होगा, गड़बड़ होगी तो हम जो तुम्हारे लिए बैठे हैं यहाँ, लो। क्या है सेठ, अपन को तुमसे बहुत प्यार है इसीलिए सब लफड़ा करता है, वरना दूसरा कोई होता ना तो अपन उसके ऊपर थूकता। अरे सॉरी सेठ, थोड़ा थूक गिर गया। हम तो क्या है, हम तो क्या है, वो फरिश्तों को आजमाता है, बना के हमको मिटाता है फिर बनाता है आदमी झूठ के। बंद करो, बंद करो ये फरियाद, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि भगवान है, खुदा है, कहां तुम्हारा भगवान, तुम्हारा खुदा, ये झूठ है, तुम्हारी किताबों में जो कुछ भी लिखा वो सब झूठ है, सच्चाई ये है तुम्हारे सामने, इस दुनिया में कुछ लोगों ने हम जैसों को शतरंज की मोरों की तरह नचा के रखा हुआ है, सच्चाई ये है। नहीं बेटा नहीं, वो जो करता है वो ही जानता है,
अगर आज उसने तुम्हें ठोकर मारी है तो कल ऐसा मरहम देगा कि फिर कोई ठोकर तुम्हें जख्म नहीं देगी। आज अगर तुम उसे नहीं मानते हो कल जरूर मानोगे, जरूर मानोगे। ऐ खुदा तू अपने इस बंदे पर रहम कर, रहम कर।
भाई मजा आ गया, कमाल कर दिया मिस्टर हीरा। हाँ मिस्टर हीरा, तुम तो सचमुच के हीरा हो। कहाँ इस शहर में पड़े हो, ये जगह तुम्हारे काबिल नहीं है। वैसे तो साहब ये दुनिया भी अपन के काबिल नहीं है, सोचा था इसको छोड़ देंगे, लेकिन लेकिन अब कुछ लोगों का पता लगा कर ही छोड़ेंगे। मिस्टर हीरा, मेरा दिल कहता कि तुम एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। और साहब अपन का दिल भी यही कहता है कि एक दिन तुम भी ऊपर जाएगा। अच्छा भी चलते हैं, फिर मिलेंगे। सलाम साहब। सलाम। आवे। अरे क्या आंटी, इतना गाना गाया हम कुछ। भाजी क्या करेंगे इसका? इसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, हम इससे कुछ भी करवा सकते हैं। खरीद लो इसे और फौरन मेरे पास लेकर आओ। अरे जर्मन, क्या तुम हमको बियर पिला पिला के झंडा करती जा रही हो? नमस्ते भाभी। ये तुम्हारी भाभी जी है? अरे भाई तुम्हारी बीवी अपन की भाभी हुई ना। नहीं हीरा, ये मेरी बीवी नहीं है। यानी बिना लाइसेंस के ही? हीरा क्या भी हो गया? कुछ नहीं सेठ, काम की बात करो। क्या काम कर सकते हो तुम? सब काम कर सकता हूँ सेठ, अभी जो तुम चमत्कार दिखा रहे थे उसे छोड़। माल मिलेगा तो हाथ भी चला सकता हूँ, चाकू भी चला सकता हूँ, 10-15 को सुला भी सकता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे साथ कश्मीर चलोगे? कश्मीर क्या, दुनिया के किसी भी कोने में चलने को तैयार हूँ। हीरा मेरे पास एक मैनेजर की जगह खाली है। मैनेजर की जगह खाली हो या डैमेजर की, सब चलेगा सेठ सिर्फ। हाँ वो भी मिलेगा, लेकिन हीरा एक बात है, तुम्हारी ये जबान, मेरा मतलब ये बोलचाल नहीं चलेगी। बोलचाल की तुम फिक्र मत करो सेठ, अपन आदमी देख के बात करता है। इंडिया में ऐसा कोई भी भाषा नहीं जो अपन पानी के माफक नहीं बोल सकता। एक एक नमूना पेश है, खिदमत है। आदावज है किबलाओ काबा, अगर शीशाए दिल पे बाल ना आए, हुजूर की तबीयत को नागवार ना गुजरे, तो ये नाचीन आपकी हाथ पा आपके हुजूर अकदस में चंद कलमात पेश करने की इजाजत चाहता है। बस बस बस, सरकार अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। इवरी चिन्ह पाता पायल के मुझे खड़े करने का तरिया। मैं बिल्कुल समझ गया, तुम वाकई मेरे काम के आते हो, लेकिन हीरा तुम्हें ये हुलिया भी बदलना होगा। सरकार पैसे के लिए तो आजकल इंसान अपने माँ बाप बदल लेता है, तो हुलिया बदलने में कितना टाइम लगता है? ऐसी हुलिया बदलूंगा कि आपको भी पहचानना भारी पड़ जाएगा। एक बात और, इधर से आप हमको रिटर्न टिकट मांगता है। रिटर्न टिकट? हाँ वो इसलिए कि अगर उधर अपन को तुम्हारा कारोबार पसंद नहीं आया ना, तो अपन उधर से वापस आ जाए। यार तुम्हारी ये बात हमें बहुत पसंद आई, रिटर्न टिकट भी मिलेगा और ये है कुछ पैसे और तुम अपना हुलिया। अरे जियो मेरे राजा, क्या चमक रहे हो? ये साला कपड़ा भी इंसान को कैसे क्या बना देता है, कल तक सिर्फ नाम का हीरा था, साला सचमुच का हीरा लग रहा है। भाई एक भेद की बात बताऊं, हमारे महेंद्र बाबू ने आपको क्या से क्या बना दिया, आपका हुलिया पलट के रख दिया, आई बात समझ रहे? चुप है चमचे, तुम्हारे महेंद्र बाबू ने अगर अपन का हुलिया बदल दिया तो देखना एक दिन अपन भी उसको कहां से कहां पहुंचाता है। हाँ जी कर दिया, पर इसका क्या करना? इसका क्या करना, कितना मालूम भाई? ये अपन के पास रहेगा। आजी, अब इसका क्या करेंगे? ये अपन का औकात है, इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा ये कपड़ा है ना, ये सब सालन नकली है, असली ये कपड़ा है क्योंकि इसमें अपन का गरीबी दिखाई देता है, ये अपन के जिस्म का चमड़ी है और ये साला अपन का कफन है, काला कफन। आए बात समझ में। भगवान के नाम पे कुछ दे दो सेठ, भगवान के नाम। तुम भी अपन के कपड़ों में धोखा खा गए? अरे अपन सेठ बैठ नहीं है, अपन तो तुम्हारी बिरादरी का है। चलो देखता है, पकड़ो। छुट्टा नहीं है, लाओ। और अरविंद सिंह की जय। और अरविंद सिंह की जय। इधर आओ, ये किसके नाम के नारे लग रहे हैं? ये यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं, हर साल गरीबों को आज ही का दिन लाखों रुपया चंदा देते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी जानोगे?
दोस्तों, मैं जय जयकार के काबिल नहीं हूं। लावारिस, अनाथ, यतीम, समाज पर बोझ, मुझे इन लफ्जों से नफरत है। इनके साथ जरा सी हमदर्दी जताकर इन्हें रोटी, कपड़ा, रहने के लिए मकान देकर लोग समझते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ रोटी और कपड़े की जरूरत नहीं, ये भूखे हैं प्यार के, मोहब्बत के। इनसे प्यार करो, आगे बढ़ो, इन्हें बढ़ के सीने से लगाओ, इनके प्यारो। अरे इतना ही हिम्मत है तो अपन को भी गले लगाओ, अपन कभी कोई तुम्हारे शरीर का बाप होएगा। कौन हो तुम? लावारिस, खालिस लावारिस। छोड़ दो इसे, यहां बेटे, जो कहना है यहां आके कहो। आओ बेटे, यहां बोलो। अपन क्या बोलेगा सेठ? अपन तो बस इतना बोलेगा कि बचपन में एक किताब में पढ़ा था कि एक डाकू रात के अंधेरे में लोगों को लूटता था और दिन के उजाले में उन्हीं का माल उनको वापस कर देता था। लोग उसकी जय जयकार करते थे, उसके पांव छूते थे। अब उनकी समझ में नहीं आया कि वो डाकू था या देवता। और एक बात बोलेगा, ये म्युनिसिपैलिटी जो शहर बसाता है, ये शहर के कोने कोने में एक कचरे का डब्बा रखता है शहर को साफ रखने के लिए, वैसे ये बाबा सेठ लोग अपना कचरा फेंकने के लिए ये यतीम खाना और अनाथ आश्रम बनाता है। अपना मतलब तुम्हारे से नहीं था सेठ। और एक बात बोलेगा, काश बनाने वाले ने हर आदमी के माथे पर एक मीटर बनाया होता, ताकि उसका बाप का नाम उसके माथे पर छप जाता है। दुनिया वालों को यह तो पता चलता कि किस यतीम का बाप कौन पैसे वाला है। अभी तुम बोलो, खैरात और चंदे पर बनी इस चार दीवारी इन आश्रमों में किसको बंद करना चाहिए? इन मासूमों को या उन पैसे वालों को जिन्होंने ऐसे लावारिसों को पैदा करके छोड़ दिया है? बस सेठ जी, अपन को इतना ही बोलने का था। कुछ गलत बात बोल दिया हो तो माफ करना, क्या अपन लावारे से अपन के जो दिल में आओ बोल। अभी अपन जाते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आपके पास कुछ खाने को होगा, बड़ी भूख लगी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। एक पैकेट कुत्ते के खाने के बिस्किट। यहाँ खाएंगे या घर ले जाएंगे? क्या कहा? नहीं, हाँ ये लीजिए। ये लो और छुट्टा रख लो। बाप के पास आराम के पैसे बहुत हैं। तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं हुई इनसे। अरे अरे, क्या कर रहा भाई साहब, ये तो कुत्ते के खाने के बिस्किट है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, अपना पाला इंसानों से कम, कुत्तों से ज्यादा पड़ा है। ये लीजिए पैसे और छुट्टे भी आप ही रखिएगा। कमाल, अरे मेरे बिस्किट तो रह गए। कमाल का आदमी, आज 20 बरस में पहली बार किसी ने ऐसी चुपती बातें सुनाई जिनको सुनकर गुजरी हुई जिंदगी के तमाम वाकयात एक एक करके मेरी आंखों के सामने आ गए, जैसे जैसे कोई मेरी जिंदगी की किताब मेरे सामने पढ़ रहा हो। किसने सुनाई ये बातें? कौन था वो आदमी? था एक नौजवान, मैं उसकी बातों में इतना खो गया कि मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा। दुनिया भर की बातें सुनकर आप खो जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा आपके सामने चिल्ला चिल्ला कर पागल हो जाए या मैं रो रो कर अधवरी हो जाऊं, तो आपका खोना तो एक तरफ, हमारे तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। जी मैं अंदर आ सकता हूं। लगता मैं किसी गलत घर में आ गया हूं। मैं तो महेंद्र बाबू से मिलने आया था। नहीं नहीं, ये सही घर है, महेंद्र बाबू का ही घर है। आओ बेटी, यही वो नौजवान है जिसके बारे में बात कर रहा था।
बेटे की जूती के बराबर भी नहीं। कामिनी, मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। जरा अपने भाइयों को बोल। जी बाबूजी। कैसे आना हुआ? जी महेंद्र बाबू ने बुलाया। हाँ, महेंद्र मेरा बेटा है। आपका बेटा? हाँ, क्यों? भाई क्या हुआ? जी नहीं, ऐसे ही, उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी के लिए बुलाया। अच्छा, That's like here. ये हुई ना कुछ बात? महेंद्र, तुमने अपनी जिंदगी में पहला सही काम किया है, एक सही आदमी को सही जगह पे लेके आए। थैंक यू बाबूजी। हीरा, तुम बिल्कुल ठीक दिन और ठीक वक्त पर यहाँ आ गए हो। महेंद्र बाबू, वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया, फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करता है। बहुत गहरी चोट खाए लगते हो। 25 साल की जिंदगी में रोटी कम, चोट ज्यादा खाई बाबूजी। क्या बात कही है बरहुरदार, क्या बात कही है। वाह वाह, इसी बात पर मुझे शेर याद आ गया कि सहरा में मेरे हाल पे रोया नहीं कोई, घर फूट के रोया तो मेरे पांव का चाला। वाह वाह डॉक्टर, ये हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं डॉक्टर गोयल। पिछले जन्म में मैं कोयल था, इस जन्म में मेरे माँ बाप ने मेरा नाम गोयल रख दिया। वैसे हजूर, आपका इसमें ग्रामी हीरा। क्या भी बातों में चमक है, मगर बरहुरदार दिल पर उदासी की धूल जमी हुई है, उसे जरा हटा दो तो जिंदगी रोशन हो जाएगी। अरनाबा, हीरा साहब के रहने के लिए डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी का ऊपर वाला कमरा खुलवा दो, और कल से काम शुरू है, अच्छी तरह काम भी समझा दो। सुनो जीरा, हमसे मिलते रहना। आप ही के इलाके में हूँ, आप ही की नौकरी कर रहा हूँ, मुलाकात तो होती रहेगी। मैं कल की परवाह नहीं करता, आज क्या होने वाला वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी। बात समझ में? आप जरा पीछे हटिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, आप मदद न करते तो मैं ठीक वक्त पर मंडी पहुंचकर ये बर्तन न बेच पाता। ये मिट्टी के बर्तन बनाते हो? हाँ बाबूजी, भगवान ने हमें मिट्टी से बनाया और हम पेट भरने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बाबूजी, ये मेरी छोटी बहन चन्नो है और मेरा नाम राम सिंह है। ठीक है ठीक है, चलिए बाबूजी, देर हो रही है। अच्छा, इसकी राम कहानी तो कभी खत्म नहीं होगी। तो बाबूजी पहुंच गए हम चंदनवाड़ी में, ये सारा भी अपना इलाका है, यहाँ लाखों का हेर फेर होता है किसी चंदनवाड़ी में, और ये है अपना लकड़ घर, सब लकड़े चिरी जाती है। लीजिए बाबूजी पहुंच गए। ये बाबूजी एक आ रहा है और ऐसे ऐसे चार आ रहे और हैं, आज ये सब आ रहे हैं और सब लोग आपके अंदर काम करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे बस आपका हुक्म चलेगा। अरे ये हमारे नए मैनेजर साहब हैं, सलाम करो। अबे सालो, तनख्वाह काट लूंगा तुम्हारी, चलो सलाम कर, चलो काम करो अपना। वह ये हमारा मुकालम है साहब, बड़ा हरामी आदमी है, शराफत से कभी काम नहीं करता, अब आप आए हैं ना, ठीक कर देंगे इसे, मुझे मालूम है। और आ गया एक कबूतर, इसका क्या होगा? जिस तरह औरों के पर काट दिए गए, इसके भी काट दिए जाएंगे। आइए बाबू जी आइए, ये हमारा कंट्रोल टावर है, यहाँ बैठ के आप सब पे नजर रख सकते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये आज से आपका दफ्तर है। तस्वीरें कैसी? ये बाबूजी हमारे सब पुराने मैनेजर थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन्हें देख रहे हैं आप, सरदार टहल सिंह जी, इन्हें टहलने का बड़ा शौक था, एक बार टहलने के लिए निकले तो दुनिया से ही टहल गए। इन्हें देखिए, ये बड़े सख्त मैनेजर थे, एक रोज राउंड पे निकले
तो गए तो अपने पाँव पे चल के थे, लेकिन जब लौटे तो लोगों के कंधों पर थे। आई बात समझ में? इन्हें देखिए, ये बेचारे बड़े अच्छे आदमी थे, मेरी किसी बात का कभी बुरा नहीं मानते। बस एक रोज मजदूरों की किसी बात का बुरा मान गए, लग गई तस्वीर फ्रेम में। ये खाली फ्रेम कैसा है? ये भाजी पिछली जब आप गलती से दो फ्रेम बन गए थे तो आप आ गए ना। आई बात समझ में? आइए मैं आपको यहाँ काम करने का तरीका बता दूं। चलिए। साम दाम दंड भेद, ये देख रहे हैं भाजी आप, अगर कोई छोटा काम चोर हो तो उसके लिए छोटी मार हंटर, और कोई बड़ा काम चोर हो तो उसके लिए बड़ी मार भाला, और कोई उससे भी बड़ा चोर हो और काबू में ना आए तो उसके लिए तलवार, और भाजी अगर उसके बावजूद भी कोई काबू में ना आए तो आइए। अब दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा आखिरी तरीका, इनका खुल के इस्तेमाल कीजिए। आई बात समझ में? ये आज से आपके चार्ज में है, ये ली। वो जो बाहर जिसने अभी थूका था, मुकारम आजी, उसे जरा ऊपर भेजिए। अभी लो जी। अबे हाँ मुकारम। क्या बे? मुकारम साहब आपको मैं मेरे सामने बुलाया, ऊपर। लगता है इसकी शामत, इसकी भी फोटो खिंचानी पड़ेगी। इसका तो आते ही पत्ता कट गया, बेचारा बेहोश मारा जाएगा। मैं चाहता तो यह था कि इस मुकादम की तरक्की करके मैनेजर बना दूं और इसकी भी फोटो उस खाली फ्रेम में लगा दूं, लेकिन जब इसने मुझसे कहा कि मेरे तीन बच्चे हैं तो मैं रुक गया। मैंने सोचा वो बच्चे भी बेचारे मेरी तरह यतीम हो जाएंगे। और नाम है जी भाजी, ये चाबी संभाल, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसे इसकी जेब में डाल देना, और जब ये होश में आए तो इसे समझा देना कि मेरे काम करने का तरीका कुछ और है। आई बात समझ में? चलो सलाम करो, चलो सलाम। ये महेंद्र बाबू कहाँ मिलेंगे? वो तो भाजी सब देवी की पूजा कर रहे होंगे। हाय मेरी रानी, ये फूल से मखमल से नाजुक हाथ ये गाड़ी साफ करने के लिए नहीं, मेरा दिल सहलाने के लिए है। आजा। अरे जानेवन, ये गोरे गोरे गालों पर नीला नीला साबुन मुझे अच्छा नहीं लगता। चल आज मैं तेरी धुलाई का चक्कर खत्म करवा ही देता हूँ। हाला एक बात कहूँ, 100 साल पुरानी तुम्हारी ये गाड़ी है, जिंदगी में तुम कभी अंदर बैठे नहीं, इंजन निकाल कर तुमने बिस्तर के नीचे रख रखा है, और अब इस बेचारी पर क्यों जुल्म ढा रहे हो? कितनी बार कहा है कि कोई नौकर जाकर रख लो। महेंद्र साहब बहादुर, अपने ऐसे नसीब कहाँ जो नौकर जाकर रख सके हैं। ले दे कि एक लड़की है, वो ही कोई किस्मत का चक्कर चला दे तो चला दे। चक्कर तो चल जाएगा। हाँ लाला, मैं जरा अंदर जाऊं। जरा क्यों बरखुरदार, बिल्कुल अंदर जाओ, तुम्हारा अपना घर है। शुक्रिया। मेरी शतरंज, मेरी बनी बनाई बाजी बिगाड़ दी तुमने। अरे लाला, जगह देख के बाजी लगाया करो वरना मात खा जाओगे। मैं पूछो तुम हो कौन? ओ लाला, ये अपने नए मैनेजर साहब है, हीरा बाबू। अच्छा अच्छा भाई, माफ करना, मेरी बाजी बिगड़ गई थी तो मैं जरा भाई इनकी खातिर बात करो। महेंद्र बाबू, महेंद्र बाबू। नहीं महेंद्र बाबू, मैं तो यहाँ खुद आया हूँ, आपके बाकी सब ठिकाने देख लिए, सोचा इस ठिकाने को भी देख लूँ, कभी भी इमरजेंसी में पकड़ना पड़ जाए तो। भाभी जी नमस्ते। अरे कमाल कर दियो तुम, जिसे मेरे साथ देखते हो भाभी बोलना शुरू कर देते हो। क्या इससे पहले भी किसी को भाभी कहा था? नहीं डालिंग, इसे तो मजाक करने की आदत है। सुनो, तुमने मुझे भाभी कहा,
मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से तुम मुझे हमेशा भाभी कहकर बुलाना। अच्छा अच्छा बाबा तुम्हें भाभी कहकर बुलाएगा। अब जरा तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम बताना है। जाओ तुम मुझे महेंद्र बाबू, जंगल मकान ऑफिस तो देख लिया, अब काम क्या करना है यह भी समझा दीजिए ना। इधर आओ, काली टेकड़ी पर हमारी एक जगह है, कुछ झोपड़पट्टी वालों ने वहां कब्जा कर रखा है, बस उन्हें वहां से हटाना है। मतलब जितने भी लोग वहां रहते हैं उन्हें बेघर करना है। मैं वहां पर एक शानदार 5-स्टार होटल बनाना चाहता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, उन गरीबों को उस होटल में रहने की जगह मिले। हीरा तुम्हारा दिमाग खराब है, 5-स्टार होटल में वो झोपड़पट्टी वाले रहेंगे क्या? नहीं, मैं समझा कि जैसे आजकल सरकार कहती है ना, गरीबी हटाओ, झोपड़े तोड़वाओ, मकान बनवाओ, गरीबों को बसाओ, शायद आपके भी ऐसे ही विचार हो। नहीं नहीं, मेरे ऐसे कोई विचार नहीं है। मतलब आप गरीबी नहीं गरीबों को हटाना चाहते हैं। हटा देंगे, हटा देंगे। सुनो, वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है। तो इंसानों के साथ साथ आप भगवान को भी दरबदर करना चाहते हैं। कर दें। That's it. मालिक, मालिक एक भेद की बात बताऊं, चमत्कार हो गया है, हीरा बाबू ने बस्ती खाली करा दी। वेरी गुड, अब तुम ये कमरा खाली करो। हाँ जी। जनमन देखिए हमारी पसंद, जो काम सारी जिंदगी में नहीं हो सका हीरा ने कर दिया। मुझे तो ये आदमी सचमुच का हीरा लगता है। तुमने कुछ सुना? लोग तुम्हारी जय कर रहे हैं। मेरे महेंद्र बाबू की जय, महेंद्र बाबू की जय, महेंद्र बाबू की जय। बरखुदा, मेरे घर के बाहर तुम्हारी जय, ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने? शिवम, मैं तो अंदर ही था सुबह से। साथियों, यही है वो हवेली और यही है महेंद्र बाबू, पकड़ लो इनके पांव। बोलो महेंद्र बाबू की, अरे बोलो महेंद्र बाबू की, बोलो महेंद्र बाबू की। ये क्या गड़बड़ है हीरा? गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है मालिक, ये सब लोग तो आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। मेरा किस बात का शुक्रिया? अरे मालिक, आपने इन सब के झोपड़े तोड़वा करके लाला की हवेली में रहने की जगह जो दी है, उसी बात का। आई मेरी हवेली में? जी हाँ। अरे वाह 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 वाह, बेघर किया तुम्हें महेंद्र ने और घुस रहो मेरे घर में। अरे लाला, तुम 2.5 लोगों की तो आबादी है, एक तुम, एक तुम्हारी बीवी, एक आधे दिमाग वाली तुम्हारी बेटी, एक शतरंज, चंदमोड़, सन्नाटा छाया रहता होगा यहाँ। ये सब लोग यहाँ आकर के रहेंगे ना तो चहल पहल मची रहेगी, है कि नहीं? चलो भाइयों, एक एक कमरे में 4-4 आदमी बस जाओ। चलो, खबरदार कोई घुसा अंदर तो। हीरा, मुझसे मत पूछो, निकालो इन सबको बाहर। अरे लाला, फिक्र क्यों करते हो? काली टेकरी जब खाली करनी थी तो बुलडोजर फिरा दिया था, जब इस हवेली को खाली करना होगा यहाँ भी बुलडोजर फिरा देंगे। हीरा, क्या बकवास है ये? महेंद्र जी, आप यहाँ किससे पूछकर तुमने ये बस्ती उजाड़ी, इन गरीबों को बेघर कर दिया? भाजी वो क्या है कि सेठ जी आप तो खामखा नाट रहे हैं, आज तो इन्हें आपको अपने सीने से लगा लेना चाहिए। महेंद्र बाबू ने कितना बड़ा उपकार किया है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। इन सब लोगों की कच्ची बस्ती को उजाड़ कर इन्होंने इनके लिए एक पक्की बस्ती बनाने का वादा किया है, और तब तक के लिए इन तमाम लोगों को इस हवेली में रहने की इजाजत दी है कि नहीं महेंद्र बाबू? महेंद्र जी, बाबू जी, ये तुमने जिंदगी में दूसरा अच्छा काम किया है। आ भाइयों, आ जाओ, आ अंदर आ जाओ। एक एक कमरे में 4-4 से ज्यादा नहीं चाहिए भाई। हाँ बस, शाबाश, इधर लग जाओ। बरखुरदार, शहर से ये बिजली खंबा जो तुम ले आए हो, अगर यहाँ कहीं गड़ गया ना तो जिंदगी भर झटके देता रहेगा। झटके, झटके का मतलब समझती हो ना? चंद्र के लिए धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते। चलिए। अरे हीरा, तू सेठ जी इधर से गुजर रहा था, जाने क्यों आपसे मिलने का जी चला है। अब अंदर आओ।
आपने सारा बैंक बैलेंस लुटा दिया ना चंदे में, हमारे लिए कुछ रखोगे भी या नहीं? क्यों खैरियत, तुम्हें कौन सी जरूरत आन पड़ी? खैरियत, मेरे बेटे मोहिंदर का जन्मदिन आ रहा है, मैं उसके लिए एक नई मर्सिडीज खरीदना चाहती हूँ, मुझे 6 लाख रुपए चाहिए। कामिनी, तुम्हारे बेटे महेंद्र की अब वो उम्र नहीं कि उसे तोहफे लेने या देने की जरूरत पड़ेगी, उसकी तो वो उम्र है कि इतना बड़ा कारोबार संभाले और अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हारा दामन भरे। मैं जब कभी भी आपसे अपने लिए या अपने बेटे महेंद्र के लिए कुछ भी मांगती हूँ तो आप उल्टा ही जवाब देते हैं। मैं उल्टा जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं तो तुमको समझा रहा हूँ कि तुम भी अपने बेटे को समझाओ। जिंदगी का मकसद कामिनी सिर्फ एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना नहीं, कुछ और भी है। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों की झूठी जय जय कार खरीदना? माँ जी बाबूजी ठीक ही तो कह रहे हैं। चुप रहो, तुम बाहर के आदमी हो, खबरदार जो हमारे बीच में बोलने की कोशिश की, समझे? भिखारी फकीर लावारिस यही आपके काम में आएंगे। जब बुढ़ापे में आपके हाथ पांव कांपने लगेंगे और बिस्तर पकड़ के बैठ जाओगे तो इस जैसा एक भी लावारिस आपके मुंह में पानी डाले नहीं आएगा। तब आएगी आपको अपने बेटे की याद। न जाने कहां कहां से चले आते हैं भीख मांगने के लिए। अच्छा बाबूजी मैं चलता हीरा। जी बाबूजी। हीरा मेरे लिए, तुम्हारी आंखों में आंसू मेरे लिए, मेरा अपना बेटा आज तक नहीं रोया मेरे लिए। मैं कितना बदकिस्मत हूं, काश काश तुम मेरे बेटे होते। मैं आएगा मैन। आओ डॉक्टर। अरे क्या बात है, तुम दोनों की आंखें सुर्ख है। डॉक्टर मैंने हीरा को रोज देखा ना, इसलिए मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आंसू बहाना कोई बुरी बात नहीं है कुमार साहब, आंसू आंखों के लिए जितने अच्छे होते हैं दिल के लिए उतने ही बुरे होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा बाप फूट फूट कर रोया था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कुंवर साहब की शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज मैं भी अपनी औलाद के लिए ऐसे ही रोता जैसे कि आप रो रहे हैं। अरे अंकल आप जब बोलते हैं तो यूं ही बोलते रहते। अब जरा बताइए बाबूजी को मेरी वजह से कब आंसू बहाने पड़े? मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हें अपने बाबूजी का ख्याल रखना चाहिए अच्छी तरह। अब देखो दवा 2 दिन से खत्म है, जाओ शहर जाओ दवा लेकर आओ। यानी कि मैं अब इस घर में सिर्फ इसलिए रह गया हूँ कि शहर जाके दवाइयाँ खरीद के लाऊं? बाबूजी घर में सब नौकर चाकर मर गए हैं जो आपकी देखभाल नहीं कर सकते। मेरे दोस्त लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। क्या डॉक्टर ये दवा बहुत ज्यादा जरूरी है? लाइए डॉक्टर साहब। बाबूजी इस घर में जब तक आपका ये नौकर जिंदा है ऐसे कामों के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, दवाई मैं ले आता हूँ। मगर शहर बहुत दूर है। कितनी दूर है बाबूजी? हिंदुस्तान में तो है ना। माफ कीजिए मैडम, आप कुत्ता अंदर नहीं ले जा सकती। माइंड योर ओन बिजनेस, ये कुत्ता ऐसा वैसा नहीं है। मैडम मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, होटल के अंदर ये कुत्ता लाना मना है। लेकिन मैं अपने कुत्ते के बगैर कहीं आती जाती नहीं। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं गरम कुत्ता, यानी कि हॉट डॉग। देखिए मैडम हमारे कस्टमर्स को ऐतराज हो सकता है और फिर कुत्ते का क्या भरोसा, कहीं कुछ गंदा कर दे तो? आप इस कुत्ते को नहीं जानते, मेरा कुत्ता है मेरा, ये हर वक्त मेरे साथ रहता उठता बैठता खाता पीता सोता है, समझे? देखिए मैडम आपका कुत्ता आपके साथ क्या क्या करता है हमें उससे कुछ मतलब नहीं, हम आपके कुत्ते को इस होटल के अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकते। कहीं उसने कुछ नुकसान कर दिया तो? कहीं उसने कुछ नुकसान कर दिया तो मैं इसके पैसे भर दूंगी। बहुत तीखी है भाई ये मिर्ची, ये पहाड़ी मिर्ची बहुत तीखी है। देखिए मैडम मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ। और मैं भी आपसे अर्ज कर चुकी हूँ, मेरा कुत्ता मेरे साथ ही खाना खाएगा और इसके खाने के बिल के साथ साथ आप मेरे खाने का बिल जोड़ दीजिए। थैंक यू। मैडम जब हम कुत्ते को अंदर आने ही नहीं देते तो खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टूपिड। क्या कहा आपने? आपसे नहीं कहा, अपने कुत्ते से कहा, इसका नाम स्टूपिड है। वैसे है आपसे ज्यादा समझदार। स्टूपिड सुनो, मेरा इंतजार यही करना, डोंट मूव एंड डोंट बी नॉटी। आपकी शादी हो गई? जी मेरे 11 बच्चे हैं। हाँ 11 बच्चे तो हैं, लेकिन शादी हो गई कि नहीं? साहब आप मजाक क्यों कर रहे हैं? ये कुत्तों के लिए आप एक अलग टेबल क्यों नहीं रखते हैं? जी नहीं मैं आपसे नहीं, मैं जरा मैनेजर साहब से कह रहा था। मैनेजर साहब जी ये कुत्तों के लिए आप एक स्पेशल टेबल क्यों नहीं रखते हैं? हाँ हाँ एक अलग स्पेशल टेबल बनवाइए, उस पर लिख दीजिए कुत्ता टेबल। वेरी फनी, व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। हम आपसे कुछ कह रहे हैं। Thank you.
पापी स्टूपिड लिटिल पापी हैं कम ऑन डॉगी यस 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 नाउ यू नो दिस मैं देखता हूँ यू सन ऑफ अ बिच ऊपर 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 कम टू मी स्टूपिड आपके कुत्ते ने सारा होटल खराब कर दिया सब ग्राहकों को परेशान कर डाला कितना नुकसान हुआ नुकसान ये लीजिए मैम साहब सवाल पैसों का नहीं है इससे ग्राहकों को कितनी परेशानी होती है होटल का नाम बदनाम होता है तो उसके लिए ये और लीजिए आप समझते क्यों नहीं है अगर ये भी कम पड़े तो घर पे फोन करके चेक मंगवा लीजिए ओके चार रुपए से
दवाई और ये रहे पैसे, ये तो तुम बाबूजी को देना। ना बाबा ना, इससे पहले कि पैसा हमें अपनों से दूर करे, हमें पैसे को अपने आप से दूर कर देना चाहिए। कैसी बातें करते हो भैया? भैया बात ही कुछ ऐसी है, आज सड़क पर चलते फिरते एक लड़की जैसी चीज से मुलाकात हुई थी। लड़की जैसी चीज? जी हाँ, शक्ल सूरत से तो लड़की ही दिखती थी, लेकिन मुंह खोलते ही काटने दौड़ती थी, सर से पांव तक दांत ही दांत, बाप के पैसे के दांत, यूं समझ लो कि चलती फिरती तिजोरी थी। तिजोरी? किसकी बात कर रहे हो? वही लड़की जैसी चीज की। लेकिन वाह साहब वाह, हमने भी वो कर्तव्य दिखाया कि उसका असर देखना तुम। कब देखना? अगले जन्म में। अगले जन्म में? जी हाँ, आज के बाद सारी जिंदगी वो लड़की भगवान से यही दुआ करेगी कि हे भगवान, अगले जन्म में मुझे किसी पैसे वाले बाप के घर पैदा मत कर, किसी पैसे वाले बाप के घर पैदा मत। करना आप यहाँ कैसे आ गई? अरे ये तो मेरी फ्रेंड है मोहिनी। मोहिनी नहीं मधु, लड़की जैसी चीज। ओ वो, हाँ मधु, वो लड़की जैसी चीज मैं ही हूँ। मेरे सारे जिस्म पे दांत है, मेरे बाप के पैसे के दांत। कमाल कर रही हैं आप, आपके दूध के दांत तो अभी गिरे नहीं, आप बाप के दांतों की। शट अप। और एक बात याद रखना, कोई कुछ होता है ना तो ही अपने आप को कुछ समझता है। बेघर घाट का आदमी किस बात परवान करेगा। जी जी हाँ, अगर तुम्हारे बाप के पास पैसा है तो दिखाओ अपने दांत। मोहिनी प्लीज। मधु तुम्हें मालूम नहीं आज इस आदमी ने क्या किया है, आज की तुम्हारी हरकत से तुम्हारे खानदान का, तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बाप का। देखो मेरे बाप तक मत जाना। तुम गए थे पहले मेरे बाप तक। मेरे बाप की सोसाइटी में इज्जत है, पोजीशन है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, समाज में तमीज से रहने के काबिल बनाया है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है? लड़कियों को छेड़ना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, ऐसी हरकतें तो वही किया करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती। इसके बाद एक लफ्ज नहीं बोलना। वरना क्या कर लोगे? खा जाओगे, मार डालोगे, क्या कर लोगे? जाने देना मोहिनी। जाने कैसे दूं मधु? मैं ऐसे लफंगे लवारिस किस्म के लोगों से डरती नहीं हूँ। प्लीज ओ माय सेक, चलो यहाँ से। ए मधु, वाह, बनाने वाले ने तो पत्थरों में जान डाल दी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है डियर, जरा अंदर चलकर देखो। हाय, ऐसा लगता है जैसे दीवारों से मूर्तियां बाहर निकलकर हम सबसे बातें करने लगेंगी। चलो चलो, कम मोहिनी। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके तुम लोग तो चलो। ये कागजात वकील साहब को पहुंचा देना और कहना मुझे फौरन कॉपी चाहिए। मधु क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना बाबूजी, आज राखी का दिन है, हर भाई सबसे पहले अपनी बहन के पास जाकर राखी बंधवाता है, बहन को आशीर्वाद देता है। और एक मेरे भैया है, सुबह से दोपहर हो गई, अब तक नहीं आए। मधु तुम भी कमाल करती हो, तब तो हुए रेगिस्तान में ठंडे पानी का चश्मा तलाश करती हो। बेटी जिन लोगों की नजर में राखी की अहमियत है, उनके लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से ज्यादा है, लेकिन महेंद्र जैसे लोगों के लिए राखी बंधन नहीं धागा है, राखी नहीं सिर्फ राख है। हीरा मधु को समझाओ। रो मत मधु, रोती क्यों? देख महेंद्र बाबू को मैं उठाकर लाता हूँ, मुझे उनके सारे ठिकाने मालूम है। मैं इस घर का नौकर हूँ, तेरी आंखें कभी भीगने नहीं दूंगा। सच बोलते हो? हाँ सच बोलता हूँ, कसम खाता हूँ। किसकी कसम? किसकी खाऊं, मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, माँ बाप भाई बहन जिसकी मैं कसम खा सकूं। ये क्या कर रही हूँ मधु? अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। मधु
इस लायक नहीं हूं। तुमने तो उस आदमी को भाई बना लिया जो कि फेंका हुआ एक ठुकराया हुआ इंसान है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई रिश्ता देखा ही नहीं। वो गंदा है मधु, बस ठोकर खाने के लायक है। नहीं, ये मेरा भाई है, अगर कोई मेरे भाई को ठोकर मारेगा तो मैं उसके पैर काट दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं ना। बेटा यूं समझ लो, कल तक इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं था और आज तुम्हारी बहन है, तुम्हारा बाप है। सेठ जी, जिंदगी की आग ने चला चला कर मेरे दिल को जख्मों से भर दिया था, आज जब आपके प्यार ने उन जख्मों पर मरहम लगाया तो मेरा दिल भराया। सेठ जी, यकीन नहीं होता कि ये सच है या सपना। अगर ये सच है तो फिर वो क्या था सेठ जी जिसे मैं आज तक देखता आया हूं, और अगर ये सपना है तो भगवान करे मेरी आंखें कभी ना खुले। सेठ जी, सेठ जी नहीं, बाबूजी कहो भैया। बाबूजी। ए मदम बेटा। अरे कहा तुम, ले जल्दी से राखी बांधे। अरे आप महेंद्र जी। बाबूजी, ये धागे प्यार के हैं, किसी का इंतजार नहीं करते, जिसकी नसीब में थे उसे मिल गए। बाबूजी, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हीरा, मैंने यहां तुम्हें काम करने के लिए बुलाया था, ना कि रिश्ते जोड़ने के लिए। आइंदा इस घर में कदम मत रखना जब तक कि तुम्हें बुलाया ना जाए, समझे? नमस्ते वकील साहब। तुम? जी मैं हीरा हूँ, कुंवर साहब ने मुझे भेजा है। अच्छा, ये अच्छा। कुछ कागजात हैं, बहुत अर्जेंटली मंगवाया उन्होंने। भाई ऐसा है कि इनको तैयार करने में कम से कम घंटा डेढ़ घंटा तो लग जाएगा। हाँ, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। भाई ऐसा करो, तब तक तुम कहीं घुमाओ। कहाँ जाएंगे साहब, आपका इलाका इतना छोटा है कि 5 मिनट में 3 राउंड लग जाते हैं। मैं यहीं बैठ रहता हूँ। अच्छा ठीक है, मिस सक्सेना ये पेपर छोड़ो। भाई साहब माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे पहले भी कहीं मिल चुका हूं। आपको हरी मिर्चों का शौक तो नहीं? अरे आप तो खामखा नाराज हो गए। अरे बाप रे, दुश्मन का घर। अरे बाप रे। सुनो जी, कहाँ चल रही है जी? वो क्या है कि मैं चलता हूँ। अब वाह, क्या अभी तो तुम कह रहे थे मैं बैठता हूँ, अभी तुम कह रहे हो मैं चलता हूँ, क्या बात है? जी बैठने में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि रॉन्ग नंबर लग गया है। रॉन्ग नंबर? जी जी हाँ, इसलिए मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो सही, बात क्या हुई है तो बताओ। बात क्या हुई, हो भी कह सकती है, क्या होगा। बात दरअसल ये है कि उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें की, मैंने कुछ सीधी सीधी बातें की, इसी में वो लफड़ा हो गया, इसलिए मैं चलता हूँ। अरे भाई सुनो भाई, उन्होंने उल्टी सीधी बातें की, तुमने सीधी सीधी बातें की, खुल के बात करो, ये गोल गोल बातें क्या कर रहे हो? वकील साहब यही बात, मुझे अभी भी पता चला है कि दुनिया गोल है, इसलिए मैं चलता हूँ। कहाँ? राउंड लगाने। लेकिन वो तुम्हारे पेपर्स तैयार हो रहे हैं भाई, उनको तो लेते जाओ। वकील साहब वो आप कभी भिजवा दीजिएगा, या मैं कोई अच्छा सा मौका देखकर फिर कभी आ जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं चलता हूँ। आप? तुम? जी मैंने उनसे उनको सब कुछ समझा दिया, इसलिए मैं चलता हूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? फिर कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, आ मेरे साथ। बेटा ही राज तो बढ़िया। अच्छा नहीं, क्या हुआ, आओ ना। तुम्हारी उस दिन की बातों ने मेरी जिंदगी को झंझोड़ कर रख दिया। एक बहुत बड़ा किस्सा जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाक्य है, मुझे याद दिला दिया। कौन सा वाक्य?
मैं छोटी सी थी, मेरी नानी के घर एक लड़का काम किया करता था, बर्तन मांजा करता था बेचारा, लेकिन सारी जबाने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी पानी की तरह बोलिया करता था। उसका बाप शराबी था और शराब पीकर उसका बाप उसे बहुत मारा करता था। हाँ, और उसकी तनख्वाह भी छीन लिया करता था। एक दिन मास्टर जी ने मुझसे सवाल किया कि राम को कितने साल का वनवास हुआ था, और जब आप जवाब न दे सकी तो लड़के ने कहा 14 साल। हाँ, उसके बाद पढ़ने के लिए मैंने उसे किताब भी दी। वो किताब उसके बाप ने छीन ली, उसे इतना मारा कि उसके बाद वो फिर आपके घर कभी नहीं आया। हाँ, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? आप उस लड़के से मिलना चाहती? क्या तुम उसे जानते हो? जब से पैदा हुआ मेरे पास ही रहा है। कहाँ है वो? ले चलो मुझे उसके पास। लेकिन बहुत गरीब है, एक झोपड़े में रहता है। मुझे उसकी परवाह नहीं, वो कहीं भी हो प्लीज ले चलो मुझे उसके पास। चलिए। यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा था ना, वो बहुत गरीब है, और गरीबों की जिंदगी में सिवाय अंधेरे की और लिखाई क्या है। इंसान को तुमने ये किताब दी थी, उस किताब को तो पहचान लिया, इंसान नहीं पहचाना। ले लो, मैं नानी माँ से कहकर दूसरी किताब मंगवा लूंगी।
कहाँ जा रही हो जानमन? तुमसे मतलब? अरे अब तो तुम्ही से मतलब है, जहाँ तुम चलोगी तुम्हारे साथ चलेंगे। उस दिन तुम रिश्ते की बात कर रही थी ना, मैं जरा जल्दी में था, आज रिश्ता जोड़ ही लेते हैं। जमीने बदमाश छोड़ मेरा भैया। भैया को क्यों तकलीफ देती हो जानमन, हम तो रिश्ता जोड़ने की बात करो। तो भैया की फिर कभी निपटूंगा। सादे, इस कुत्ते के पिल्ले को उठा के बाहर फेंक दो। उधर जाओ। आराम सादे, सीधी तरफ वापस चला जा, वरना आरे मशीन में इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे कि चील और कौवे भी नहीं खा पाएंगे। हरामजादे के पालतू कुत्तों, उसे मेरे हवाले कर दो, वरना एक एक के टुकड़े कर दूंगा। इन बेचारे गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर ये लक्कड़ घर चल गया राम सिंह, तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे राम सिंह। अगर तुम्हें महिला चाहिए तो मैं ला के देता हूँ, ऐसा मत करो राम सिंह। राम सिंह, रोती क्यों है पगली? तेरा भाई अभी जिंदा है? पूछ ले। चलो, मेरे हाथों को क्या हुआ? नहीं, चलो तूने मेरे हाथ छीन लिए।
मनी तुम यहाँ इस वक्त? शुक्र है पहचान तो लिया। मुझे तो लग रहा था राम सिंह के लिए सारी दुनिया के साथ साथ मुझे भी भूल गए होगे। नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हें तो कोई एक बार देख ले नहीं भूल सकता है, मैं तो तुम्हें हर वक्त देखता हूँ। बस बस बस, इतने दिनों से मिले क्यों नहीं? राम सिंह के घर के बाहर भी कोई दुनिया है या नहीं है? बहुत खूबसूरत दुनिया है, मगर मेरी दुनिया तो बस अब इस घर से शुरू होगी और यहीं खत्म। और मेरा क्या होगा? तुम्हारा वही होगा जो मेरा होगा, और मेरा वही होगा जो तुम्हारा होगा। नहीं, मैं नहीं समझी। मालूम था नहीं समझोगी, समझ जाओ। चलो
कहाँ? राम सिंह के घर के लिए शहर से कुछ सामान लाना। मुझे बता, मैं ले आती हूँ। राम सिंह के घर की जिम्मेदारी मेरी है, वो मेरा फर्ज है, और इंसान को अपना फर्ज खुद निभाना चाहिए। वाह बाबूजी वाह, आप फिर लड़की के साथ अटके हुए, और मैं आपको कितने दिनों से कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ। डॉक्टर के घर में नहीं मिले, लक्कड़ घर में नहीं मिले, और मिले तो इस फक्कड़ के घर में मिले। आई बात समझ में? मेरी समझ में तो बात आ गई, लेकिन लगता है आपको बात समझानी पड़ेगी। जी क्या मतलब? मतलब ये कि आइंदा राम सिंह के बारे में कोई ऐसी बकवास की तो आपकी ये दूसरी आंख भी मैं फड़कवाना शुरू करवा दूं। बाबूजी मेरी छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए। एक भेद की बात बताऊं, महेंद्र बाबू बहुत नाराज है आपसे। आप कितने दिनों से नौकरी पर नहीं आए, फौरन बुलाया, अभी चलिए मेरे साथ। एक भेद की बात मुझसे भी सुन लो। अपने महेंद्र बाबू से कहना कि मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी, और एक बात कहना उनसे, कहना राम सिंह ने उसकी बहन की तरफ कभी भूले से भी आंख उठाकर देखा तो मैं उसे बीच चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला दूंगा। नमक हराम हीरा कहा है? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कुमार की औलाद, तू जिस हीरा के बल बूते पर अकड़ रहा है, मैं उसी का पता पूछ रहा हूँ। कहाँ है वो? मैं नहीं बताऊंगा, और मैं पूछ के रहूंगा। अब वो हीरा कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। तू नहीं बताएगा? अब बोल। जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा बाकी है, मैं नहीं बताऊंगा। तो तू नहीं बताएगा? भीमा, इस रामजादे के जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल दो। अरे मुझसे बदला लेना है तो मुझसे ले, इस मजबूर से क्यों? भीमा, इस मजबूर की डिग्री और बढ़ाओ। अरे भैया को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपने भैया के लिए तू उसके सामने हाथ मत जोड़। हाथ तो सभी जोड़ते हैं, तुम रिश्ता जोड़ लो, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। उस कमीने के आगे हाथ मत जोड़। अगर मैं तेरी बात मान लूं तो तू मेरे भैया को छोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल। तू मेरी फिक्र मत कर। प्रॉमिस, छोड़ दूंगा। नहीं, चलो, तू मेरी फिक्र मत कर। तो मैं तैयार हूँ। चन्नो, चन्नो नहीं, नहीं चन्नो, तेरे भैया के हाथ कट गए, मगर तू इसकी इज्जत के टुकड़े करके इस कमीने की ठोकर में मत डाल। चन्नो, भीमा, चन्नो, चन्नो, चन्नो। ये क्या किया तुमने राम सिंह? हीरा, ये क्या हो गया? अच्छा हुआ तुम आ गए हीरा। महेंद्र चन्नो को ले गया, मेरी बहन की इज्जत बचा लो हीरा। जाओ जाओ हीरा। लेकिन राम सिंह, तुम अपनी बहन की इज्जत बचा लो हीरा, बेबत करो। जाओ जाओ, चन्नो को बचा लो। चन्नो का है? कौन चन्नो? महेंद्र बाबू, चन्नो का है? मैं कहता हूँ कौन चन्नो?
महेंद्र बाबू चन्नो कहाँ है? कहाँ है चन्नो? कहाँ है चन्नो? चल मेरे साथ। राम सिंह, ले आ तेरे मुजरिम को। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, चन्नो, 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 क्या बोला? खुद कुछ मैं झूठा पड़ गया मेरे भाई। अपना किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं कर सका। भाई जान! कब से आप यहाँ हैं? वहां पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया है? कौन? चलिए आइए आइए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल परवाह मत करो, मैं आता हूं। बाबूजी, क्या बात है बेटा? जी कुछ नहीं। किससे बात कर रहे थे फोन पर? वो वकील साहब से। क्या हो? बाबूजी, वो राम सिंह गुहार है ना, उसका कत्ल हो गया है। कैसे? वो अपना मैनेजर हीरा है ना, उसका राम सिंह की बहन चन्नो के साथ कुछ था। वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन जब उसने हीरा को शादी करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। ये झूठ बोल रहा है बाबूजी, झूठ बोल रहा है। ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटे? आपने सुनने के अलावा और किया ही क्या है? खुद तो इस चार दीवारी के अंदर बैठे रहते हैं और बेबस मजबूरों की जिंदगी से खेलने के लिए इस शैतान को खुला छोड़ रखा है। मुझसे बोलकर बात करो, तुम कौन होते हो मेरे बेटे को शैतान बोलने वाले? ये शैतान ही नहीं माँ जी, हैवान से भी बदतर है। आपको यकीन नहीं होता ना, क्योंकि आपका बेटा है, आपका खून है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी असलियत क्या है। खामोश बदतमीज, अपना इल्जाम मुझ पर थोप कर खुद बचना चाहते हो? महेंद्र हीरा, सच क्या है, झूठ क्या है, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे फिर फैसला करेंगे। अरे हीरा बाबू, बहुत बनने की कोशिश मत करो, दोनों को मार दिया और उनके घर में आ गया। लाला, तू झूठ बोल रहा है लाला। अरे वाह बाबूजी वाह, इनको तो झुटला दोगे पर मस्ती वालों को कैसे झुटला होगा, जिनके सामने दोनों को मारा और मकान को आग लगा दी। साले चम चम चम, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये यूपिन इसने राम सिंह उसकी बहन को मारा है और उस मकान को आग लगाई है, पकड़ लीजिए इसको। अरे पैसों के लालची कुत्ते, साले दौलत पे बिकने वाले वकील खूनी मैं नहीं हूँ, ये है तेरा बाप महेंद्र, हटकरी से लगवा। अपनी जबान काबू में रख। भाजी देख लिया ना अपने से? अब तक तो काबू में रखा था सेठ, बहुत काबू में रखा था। तुम लोगों की झूठी शराफत में आकर ये साला हीरा भी शरीफ बनने चला था। ये लुच्चा तो शरीफ बन गया, लेकिन तुम शरीफ कहलाने वाले लोग लुच्चे के लुच्चे ही रह गए। चुप कर कमीने। अरे कमीना होगा तू, तेरा बाप। देखते क्या इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। सेठ, कसम पैदा करने वाले की, जिस दिन छूट कर आऊंगा उस दिन से तुम्हारी जिंदगी का एक एक दिन ऐसे चलाऊंगा जैसे राम सिंह का ही घर चल रहा है। कसम पैदा करने वाले की। डॉक्टर गोयल और कुमारी मोहिनी के बयानों से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर हीरा बिल्कुल बेकसूर है। अदालत उसे हीरा को बाइज्जत बरी करती है
और पुलिस को आगाह करती है कि वो जल्द से जल्द असली मुजरमों को पकड़ने की कोशिश करे। इसे पहचानते? हाँ, ये रिटर्न टिकट मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि अगर तुम्हें कारोबार पसंद नहीं आया तो तुम वापस लौट जाओगे, और अब तुम वापस लौट ही जाओ। नहीं महेंद्र बाबू, वापस लौटने का तो कोई चांस ही नहीं। कारोबार तो मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ कुछ लोग पसंद नहीं है, और लोगों को ठीक करने में अपन को कितना टाइम लगता है। चुटकी बजाए आदमी सा। नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी बंबई नहीं, मेरा इलाका है। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है महेंद्र बाबू, और वैसे भी अपना पाला आज तक सिर्फ भौंकने वाले कुत्तों से ही पड़ा। कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ काटते हैं, भौंकते नहीं। मेरा नाम हीरा है, गले लग जाओ ना तो हार बन जाता, कहीं हलक से नीचे उतर गए ना तो चीर कर दूंगा। उस हरामजादे ने मुझे चैलेंज दिया है, और वो आएगा जरूर। आने जाने का रास्ता सिर्फ यही है, उसको खत्म कर दो, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके इन पहाड़ों में बिखेर दो, नदी में बहा दो, मैं तुम्हें मालोमाल कर दूंगा। लेकिन याद रहे, तुम्हें से कोई बचाना नहीं जाना चाहिए। काम वालों को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वो खुद ही इस जगह को छोड़कर भाग गया, समझे? बाबूजी के कानों तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी जी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। पता ना, मनी कालू चेतलू कंगलू तीसी काकलू गदर बुढ़ा परिस्ता ना सावी रंगा। उन्हों आंता थे, मैं उधर अफसर पान के अपनी मंजिल पावे बना दूंगा। और ठीक है जल्दी कर। अरे बच्चे, हूँ तो है ना बंदूक नहीं गोड़ी थी, भेज उड़ाई दी। अरे तू जब भेजा उड़ाएगा तो 2 रुपए मेरी तरफ से नाम में ले लिया, अभी चल निकल। ఏంటి గురు, మీ కాళ్ళు చేతులు కదులు తీసి నరికి కాగులు గద్దలు కేస్తాను చెప్పాను గురు. దేవుడా, ఈ వెజిటేరియన్ మనిషి మాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు గురు. నీకు ఇడ్లీ కావాలా గురు, సాంబార్ కావాలా గురు? చోళా బాగా మళ్ళా ఖలాస్ కన్నారు. दसो प्राजी थोड़ा की कीता जाए। मैंने तो माफी कर दो पाजी। बजरंग बली ऐस डिजाइन नो वेखो, तुसी हाथ पैर दिते ने टुरन वास्ते, ऐ ला रहा सी अपनी मंजी विच, मैं खड़ी करदा जी मंजी। एंडा डे एन तुंडू तुंडा वेट्टी आतल तूकी पोला पाटिया। आमा सर, அதுக்க மோகேந்தர் சார் உனக்கு ரொம்ப காசு தரான்னு சொன்னாலயா? ஆமா ஆமா சார். இப்போ நான் உனக்கு அதோட டபுள் காசு தரான். சார் சார் போருமா? இன்னும் காசு வேணுமாடா? போ மடப்பாயிலே போத்தானு பேஜு நீ उड़ाड़वानी बात करे। हाँ दादा,
बोलूं ठाकुर दादा पूछ जा की আমাকে শেষ করবে না না শালা বাস করে দেব জানেন চলো দাঁড়াও এই নাও বাস নিয়ে যাও দাঁড়াও কে আর একটা বাস নিয়ে যাও না 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 লো बजरंग बली ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलडोजर देकर भेजा बोले झोपड़े तोड़ डालो भगवान को निकाल डालो बोले गरीब लोग तो फोकट में रहते ही हैं भगवान भी जमीन पर किराया नहीं देते निकाल डालो लेकिन अपुन को देख तूने अपुन की जिंदगी में कितनी बार बुलडोजर फिराया अपुन कुछ नहीं बोला याद है उस दिन भी अपन बुलडोजर इधर उधर फिराया तेरे को आंच नहीं आने दिया क्या कर नीचे फेंक जब दो बड़े आदमी बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते समझे तेरी क्या अजीब अजीब मॉडल बनाया तूने भगवान अच्छा किया है कि बना है चार पांच बनाता ना तो तेरे को जमीन से क्या आसमान से भी बुला देते ये देखो एक और मॉडल अबे ओ हर नाम है इधर आ गए छपकू मुझे मत मारना भाजी आप दूसरों को मार रहे थे लंग मुझे रही थी आप मुझे मारेंगे तो मेरी माँ बहन मर जाएगी तेरी माँ बहन है हाँ जी दो कुंवारी माँ एक बहन है एक माँ है दो कुंवारी बहन है फिर भी साले कुंवारी लड़कियों को आप झकाता रहता है हाँ जी क्या है ना कि बुरे मालिक की संगत में बुरे काम ना करूं तो माँ बहन को खिलाऊं कहाँ से देखो जबकू हाँ जी मैं तेरे को एक ही शर्त पे छोड़ने वाला हूँ हुकुम सरकार आज के बाद आंख झपकाना बंद बुरे काम बंद ईमानदारी बंद चालू चालू भाई बात समझ में आ गई चल निकल यहाँ से निकल अच्छा मैं चलता हूँ नमस्ते नमस्ते राम राम साहेब कौन हो तुम बस का साहेब अपने गंगूगणपत को भूल गया क्या साहेब लगता है पुराना स्टोरी भूल गया साहेब आखा सुनाने को पड़ेगा याद है साहेब तुम्हारे घर में वो तुम्हारे दोस्त का बहन था विद्या उसको बच्चा हुआ था हाँ हाँ गंगू हाँ। तुम हो हाँ अमित साहब स्टोरी सुनाया तब याद आया ना साहब अच्छा अच्छा काम करो हाँ जरा उधर उधर चलो अरे नहीं साहब आपके तुम पीछे बैठो हम तुम्हारा ड्राइवर है पुराने जगह पे आ गया है साहब नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं गाड़ी में चलाऊंगा चलो बैठो अच्छा चलो उतरो यही से आपका घर है क्या साहब पहले गाड़ी से नीचे उतरो उतर गया साहेब ठीक से दरवाजा बंद करो हाँ ये पैसा वैसा भेजना बंद काहे को किया साहेब ये लो 500 रुपए हाँ वापसी टिकट कटवाओ सीधा बंबई जाओ दोबारा इधर नजर आए तो इतनी मुद्दत के लिए जेल भिजवाऊंगा कि जिंदा अंदर जाओगे मुर्दा बाहर निकलोगे मेरा नाम कैलाश नाथ है याद रखना अरे अरे मेरे को याद है तेरा नाम कैलाश नाथ है तू काहे को मेरे को जेल भेजेगा अरे सालिया पाप तू किया और जेल में जाएगा मैं अभी बुढ़ा हो गया इसलिए मेरे को खून देता है देवा शपथ मैं भी तेरे को बताऊंगा रे कुत्रिया क्या मतलब मतलब तुमने महेंद्र बाबू के खिलाफ अदालत में गवाही दी तो इसका फैसला तो हम करेंगे ना अदालत में मैंने जो कुछ बोला सच बोला सच बोलना कोई पाप है क्या पाप तो नहीं लेकिन बुरी बात जरूर है क्या करते हो भाई जा रे डॉक्टर साहब को जरा बाजार की हवा खिला दे ताकि औरों की तबीयत भी ठीक हो जाए सिंह ए हा? कौन हो तुम कैलाश साहब का जूना ड्राइवर गंगू गंगू हा? तुम गंगू हो तुम अपन को पहचानता है मेम साहब तुम हीरा के बापू हो ना वही जो बचपन में उसकी मेहनत की कमाई शराब में उड़ाया करते थे अरे जान दो ना मेम साहब तुम तो जानता है शराब आदमी को कुत्ता बना देता है तभी तो मेरा हीरा मेरे को छोड़कर भागकर इधर किधर आ गया लेकिन हीरा तो कहता है कि उसका इस दुनिया में कोई है नहीं अरे नहीं मेम साहब उसका तो सब कुछ है उसको तो बहुत बड़े महलों में होना चाहिए लेकिन सत्यानाश हो इस हलकट कैलाश नाथ का तमीज से बात करो वो मेरे पिता हैं
हाँ? अरे तुम जैसा अच्छा लड़की इसके घर में कैसा पैदा हुआ? अच्छा अच्छा मेम साहब, तुम उसका बेटी है ना, तो मैं तेरे को सब कुछ बताएंगा कि तुम्हारा बाप कितना बुरा है, उसने हीरा को कैसा अनाथ किया। लेकिन मेम साहब, दो दिन में कुछ खाया नहीं, पिया भी नहीं, थोड़ा पैसा मिलेगा? तुम जितना कहोगे मैं दूंगी, मुझे सब कुछ बता दो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं बेटे, एक आवाज चली, आंधी आई और सब तितर बितर करके चली गई। ये कैसी आंधी थी जो सिर्फ आपके यहां बर्बादी फैलाकर चली गई? ओ समझा, बचपन से लेकर जवानी तक सुबह शाम मेरा ऐसी ही आंधियों से पाला पड़ता रहा है। वो लोग समझते हैं कि अदालत भी उनके बात की जागीर है। नहीं 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 बेटे, सुनो, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, इस खेल के मैच खेलने की 25 साल से प्रैक्टिस है मुझे, गड़बड़ी सिर्फ इन कपड़ों की है। अब तो हुलिया और जबान बदल के असलियत पे उतरना पड़ेगा। ये क्या बेटे? और साहब, जिंदगी का हर मैच अपन यही यूनिफॉर्म पहन के खेला है। ये तो बीच में थोड़ी देर के वास्ते इंटरवल हो गया था, अभी मैच फिर से चालू। ये लो डॉक्टर साहब, ये अपन का कफन है, काला कफन। अगर अपन को कभी कुछ हो गया ना, उड़ा देना। अब महेंद्र बाबू के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। क्यों है? तुम लोगों ने डॉक्टर को यहां बताया ना? मैं तुम लोगों की वो हालत करूंगा, दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर। मत करो, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। चमचों पे हुकूमत करने वाले कभी नहीं बहारा। तेरे गांव में, तेरी बस्ती में, तेरे मकान के सामने खड़ा होकर हीरा तेरे को चैलेंज करता है, बाहर निकल। ये तुम्हें क्या अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? कमीना है, मां बाबूजी ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। वरना एक एक बूढ़े कमजोर डॉक्टर पे हाथ क्या उठाता है कमीने? अरे अगर मां का दूध पिया तो मेरे सामने आ, एक ही पक्के में सारा दूध ने निकाल दिया तो मेरा नाम भी हीरा नहीं, साले। इस साले बाप बेटे ये दोनों मिलकर दुनिया को लूट रहे हैं। बाप साला चंदा देकर यतीम खाने बनाकर लोगों पे धाक जमाता है और ये उसका बेटा कमबख्त गुंडों और मवालियों के जोर से गरीबों पे जुल्म करता है। अरे मैं पूछता हूं कि अगर तुम्हारे भगवान को कोई गाली दे और उसके मुंह पर थूके तो क्या तुम चुप रहोगे? आज उसी भगवान को एक गंदी नाली का कीड़ा, एक एहसान फरामोश खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहा है। अरे ओ पैसे वालों, हम गरीबों का मजाक क्यों उड़ाते हो? कभी बेटा बनाते हो, कभी राखी बांधकर भाई बनाते हो, सब अपने मतलब के लिए, वरना राखी का ये कच्चा धागा क्या चीज है? अरे इसकी जगह लोहे की जंजीर भी होती ना तो अभी तुम लोग अपनी बेईमानी की तलवार से काट के इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। कभी सारा कोई बाहर नहीं निकलता। बाप बेटे ने मिलकर चूड़ियां पहन ली क्या?
जबान को लगाम दे वरना। वरना क्या करोगे? गोली मारोगे? हाँ मैं गोली मार दूंगा हीरा। ले मार गोली, दुनिया को इस घर की असलियत का तो पता चले। यह तो पता चले कि सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि दानवीर, धर्मवीर, गरीबों का वारिस, बेसहारों का अन्नदाता, भगवान का अवतार कुंवर रणबीर सिंह बंदूक उठाकर गोली चलाना भी जानता है। मार गोली। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा मोहिनी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप जिसे मारे जा रहे हैं, ये आपका अपना खून है, ये आपका बेटा है। मुझे गंगू ड्राइवर ने सब कुछ बता दिया है। चलिए बाबूजी। जी सेठ, अरे क्या हुआ सेठ? बस क्या, डर गया क्या? चलाना गोली। अरे सेठ, अरे जाता किधर है? कसम से ये बंदूक आज अपन के हाथ में होता ना, कब का लंबा कर दिया होता। ठीक है सेठ, आज हीरा जाता है, मगर याद रखना तुझे यहां जिंदा नहीं छोड़ूंगा सेठ। तेरी शराफत के झंडे एक एक उखाड़ के फेंक दूंगा सेठ। बाबूजी, जिंदगी ने उसे बहुत सताया है, उसे अपना लीजिए, वो बहुत दुखी है। वो इस बाप से ज्यादा क्या दुखी होगा, तो ये जानते हुए कि उसका बेटा दर बदर की ठोकरें खाता है, उसे अपने घर नहीं ला सकता, अपने सीने से नहीं लगा सकता, उसे 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 एक बार बेटा कह के नहीं पुकार सकता। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मेरे बेटे से कभी मत कहना कि मैं उसका बाप हूं। वो मजबूर बाप उस समाज के डर से अपने अपने खून को अपना खून नहीं कह सकता। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मेरे बेटे से मत कहना, मेरे बेटे से मत कहना, मुझे मत कहना उसे कि मैं उसका बाप। कसूर क्या है? यही ना कि मुझ से गरीब आदमी के लिए इसने आवाज उठाई, गरीबों के खून से अपनी जिंदगी रंगीन करने वाले अमीरों के खिलाफ आवाज उठाई। देख क्या रहे हो, उठाओ पत्थर और कुचल दो इसका सर, मार डालो, चढ़ा दो सूली पर, दबा दो इसकी आवाज को। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, अपनों का खून अपनों के काम नहीं आएगा और किसके आएगा। उठो बेटे, ये जगह अपने काबिल नहीं है, तुम नहीं जानते, सच बोलने वाले को हमेशा पत्थर ही पड़े। उठो चलो। एक
ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, किसी के साथ नहीं जाएगा, ये मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ। सेठ जी, अब कैसे हो बेटा? सारी रात बेचैन थे तुम। सेठ जी, अब क्या है? कभी मेरी जान लेना चाहते हैं, कभी मेरी जान बचाने के लिए मेरे खून पे अपना खून बहाते हैं। कल आपके हाथों में बंदूक थी, आज आपकी आंखों में आंसू हैं। आखिर ये राज क्या है? मुझे क्या चाहते हैं आप सेठ जी? क्या चाहते हैं आप मुझसे? बोलिए सेठ जी, क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मारना चाहता है तू हीरा को? बोल जवाब दे महेंद्र, क्यों झूठ बोला उसे? मैं तुझसे जवाब मांगता हूँ महेंद्र, बोल क्यों झूठ बोला? हाँ मैं इसकी जान ले लूंगा, आज आज मेरे सब्र का पैमाना छलक चुका है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी खाल खींच लूंगा, मैं इस पाप की परछाई को मिटा कर दूंगा। हट जाओ सामने जलील कुछ। नहीं बाबूजी, बस कीजिए, इसे मारने से क्या होगा? मारना ही है तो इसके मन के अंदर जो बुरा आदमी छुपा हुआ उसे मारिए, निकाल दीजिए उसे इसके दिल से। शरीर पर कोड़े बरसाने से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता बाबूजी, छोड़ दीजिए इसे। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग लेता हूं, जाने दीजिए इसे। दरअसल बाबूजी, सच बात तो यह है कि मेरे कदम बड़े मनहूस है। मैं जहां भी गया हूं मैंने बर्बादी फैलाई है। मैंने जिसे भी अपनाया या तो वो गैर हो गया या दुश्मन हो गया या फिर इस दुनिया से ही चला गया। इसीलिए ये घर बर्बाद ना हो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूं। नहीं हीरा, तुम यहां से नहीं जाओगे। महेंद्र बाबू, अपनी जिंदगी का रास्ता, अपनी तकदीर की कदर करो कि तुम्हें ऐसा बाप मिला है। अगर इनके चरणों की धूल तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। माफी मांगो इनसे। अरे मांग ले बरखुरदार, माफी मांग ले। जब तक बेटा अपने पापों के लिए अपने बाप से माफी नहीं मांगता, उसे भगवान भी माफ नहीं करते। देख, बड़ा अच्छा मौका है, पकड़ ले पांव, रगड़ ले नाक, इनसे माफी मांग, इनसे माफी मांग, सब ठीक हो जाएगा, दोनों तुझसे बड़े हैं। चल चल, जल्दी कर, जल्दी कर, चल चल। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। हीरा जी बाबू, जरा ऊपर आना। जी बाबू जी। हीरा, ये धुन जो तुम अभी गुनगुना रहे थे, ये जी बाबू जी, ये मेरे बचपन की एक याद है। जब कभी भी मैं मौज में होता हूं तो विद्या देवी का ये गाना गुनगुनाता रहता। विद्या देवी, वाह वाह वाह, गाने बजाने की बात। मैं तो समझी थी कि अब इस हवेली में कभी गाना बजाना होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? देखिए ना बाबूजी, आज मेरा जन्मदिन है और पूरी हवेली पर उदासी छाई हुई है, इसलिए मैं भी खामोश। अरे आज तेरा जन्मदिन है? बस बस बस, फिर देखना तेरा ये भाई किस तरह खामोशी और उदासी की दीवार को तोड़ देता है। आज इसका जन्मदिन किस धूमधाम से मनाता हूँ सेठ जी, देखिएगा आप। जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है।
है दीवान सिंह, पुलिस को फोन करके बुलाओ। अरे काहे को पुलिस को तकलीफ देता है साहेब, वो बेचारा लोग खा पी कर आराम करता होएगा। ध्यान देव, मेरे को भूख नहीं है, मैं आए सच तुम्हारे को सलाम मारने को आया। सलाम मारने का बच्चा निकल जाता हूँ, जाता हूँ। दफा हो जाए यहाँ से। साले कैलाश, तेरे को कीड़ा कीड़ा पड़ेगा, मगरमच्छ के साइज का एक एक कीड़ा पड़ेगा। तू मुंह खोलेगा तो सांप निकलेगा, छींक मारेगा तो सड़ेला कुत्ता निकलेगा। तू सड़ सड़ के मर जाएगा रे कुतरड़िया। तुम हीरा, अरे तू काय को मेरे को छोड़ के गया था रे मेरे बेटे, ये बुढ़ा मर गया था तेरे बिना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आया था तेरे को ढूंढने को, पर ये मिला साला कैलाश। तुम कैलाशनाथ को कैसे जानते हो ये बाद में पूछूंगा, पहले ये बताओ मैं किसकी औलाद हूँ? बताएंगा, पर मेरे को दो दिन में दारू नहीं मिला रे, मेरे को चक्कर आता है। नौटा किधर मिलेगा? मिलेगा। पहले ये बताओ मेरा बाप कौन है? तेरा बाप क्या, तेरे माँ के बारे में भी बताएंगा, लेकिन लेकिन गला सूख गया है, दारू अंदर जाएगा मेरा गला गीला हो जाएगा, बात बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तुम सीधे से बता दो बापू, कौन है मेरा बाप? अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, तू सुनेगा तो बहुत खुश होगा, और तू देखेगा तो कूद ही मारने लगेगा। हाँ तो बताओ ना कौन है वो? वो इतना जल्दी कैसे बताएंगे रे? तुम बाप बेटा मिल जाएगा तो हम लटक जाएंगे ना। मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे बाप का नाम क्या है? अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी, देवाशप्पा बहुत बड़ा आदमी है, तुम देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी कैसा? अच्छा, हम तुमको तेरी माँ का नाम बोलता है, उसका नाम था विद्या, बहुत पैसा था, उसका सारा पैसा कैलाश खा गया, तेरे को यतीम बनाने वाला भी यही है। और तुम्हारा बाप? हाँ, बाप का नाम क्या है? वो तो बहुत बड़ा आदमी है, तुम देखेगा खुश हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसका नाम क्या है? खुश। मेरे बाप का नाम क्या है? बहुत बड़ा आदमी। तुम? हाँ मैं वकील साहब, मैं। कभी कभी इंसान अपने पाप का एक छोटा सा पौधा छोड़कर भाग जाता है, लेकिन किस्मत उस पौधे को एक पेड़ बनाकर उसके सामने खड़ा कर देती है, जैसे मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। जरा देखिए वकील साहब, उस वक्त मैं छोटा था, कमजोर था, बेबस, मासूम, और आप जवान थे, आज आप बूढ़े हैं, कमजोर हैं, बेबस हैं, और मैं जवान हूं। इंसान को अपना हिसाब किताब इसी दुनिया में चुकाना पड़ता है वकील साहब। जिस बच्चे को आप लावारिस और कलंक समझकर फेंकवा आए थे, आज उसी लावारिस के साथ आपकी बेटी प्यार करती है। क्या वही कहानी आपके घर में भी दोहराई जा सकती है वकील साहब? आपके घर में भी एक लावारिस पैदा हो सकता है, क्या आपके बार भी आप उसे फेंकवा सकेंगे? नहीं वकील साहब, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस बार तकदीर आपका मजाक उड़ा रही है। यकीन नहीं आता ना, तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए। बेटी, क्या सच है? हाँ पिताजी, मैं हीरा से प्यार करती हूँ, मुझे नफरत है इस दौलत से, इस झूठी इज्जत से। आप ये समझ लीजिए कि आपकी बेटी पैदा होते ही मर गई थी, या फिर हीरा के साथ आपने उसे भी फेंकवा दिया था, और फेंकी हुई को उठाया नहीं करते, ये आप ही का बनाया हुआ असूल है। चलो हीरा। अपने घर वापस लौट जाओ। क्या? हाँ, तुम्हारे पिता से जो मुझे बदला लेना था वो मैंने ले लिया, उनकी आंखों के सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हें ले आया,
और वो मजबूर खड़े देखते रहे, बस मेरा मतलब पूरा हो गया। जाओ, घर जाओ। मैं लौट कर जाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर घर से नहीं निकली, जिंदगी भर साथ निभाने के लिए निकली हूँ। नहीं मैंने, मेरा साथ कोई नहीं निभा सकता। मेरी तकदीर मेरा साथ नहीं निभा सकी तो तुम क्या निभाओगे? हम तो उन लोगों में से हैं जो इस दुनिया में सिर्फ शरीर लेकर पैदा हुए हैं। हमारी न तो तकदीर लिखी जाती है, न ही आसमान में हमारे मुकद्दर के सितारे होते हैं। इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं, मैं तो एक बोझ हूं इस दुनिया में। नहीं हीरा, तुम बोझ नहीं, तुम तो एक बहुत बड़े बाप के बेटे हो। मैं बहुत बड़े बाप का बेटा? तुम कैसे जानती हो? मैं जानती हूँ, और आज मजबूर होकर कह रही हूँ। तुम्हारे बाबूजी को दिया हुआ वचन तोड़ रही हूँ। तुम कुंवर रणवीर सिंह के बेटे हो हीरा। रणवीर सिंह मेरे पिता, वो जानते हैं कि मैं उनका बेटा हूं? हाँ वो जानते हैं, मगर मजबूर हैं। हाँ मजबूर हैं, क्योंकि वो मुझे अपना बेटा नहीं कह सकते। दुनिया को क्या जवाब देंगे, लोग क्या कहेंगे? कुंवर रणबीर सिंह, दुनिया जिनकी शराफत की कसमें खाती है, उनकी एक नाजायज औलाद जिंदा है। इज्जत खतरे में पड़ रही है। तुम्हारे बाप की तरह मेरे बाप की इज्जत भी मेरी वजह से खतरे में पड़ रही है। नहीं हीरा। और शायद ये जानते हुए कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं, तब यही सोचकर मेरा हाथ पकड़कर अपने बाप के घर से चले आए। इतनी गिरी हुई बात की है तुमने, आज तुमने अपने आप को मेरी नजरों से गिरा दिया है। मैं तुम्हें प्यारी नहीं करती, तुम्हारी पूजा करती हूँ। जिंदगी में पहला मर्द देखा जो अपनी इज्जत करवाना चाहता है, यही सोचकर मैं घर से तुम्हारे साथ निकल पड़ी थी। लेकिन तुमने मुझे गाली दी है हीरा, गाली दी है। मैं तो ये समझी थी कि तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो, ये सुनकर तुम खुश होगे। क्या करूंगा इस खुशी का, और क्या करूंगा ऐसे मजबूर बाप का बेटा बनकर जो अपनी औलाद को औलाद नहीं कह सकता। इससे अच्छा तो मेरा वो बाप गंगू था जो शराब के नशे में मुझे बेटा तो कहता था, मैं भी अपना सीना ठोक कर कह सकता था कि हाँ ये मेरा बाप है। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे प्यार की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं इसका जिक्र कभी भूल कर भी किसी से नहीं करूंगी कि तुम किसके बेटे हो। और तुम्हें भी कसम है कि तुम ये बात कभी अपने जुबान पर नहीं लाओगे। मुझे माफ कर दो, जिंदगी में मैंने इतने धोखे खाए हैं कि अब अपनों और गैरों को पहचानने में मैं खुद धोखा खा जाता। चलो तुम्हें कोर सके कर चुका। क्या कहा था ना उछल पड़ोगे, बताओ लड़का चाहिए या लड़की? ओ पद्मा, ये लड़का लड़की बीच में क्यों लाती हो?
जवानी याश करने के लिए होती है मेरी। सच कह रही हूँ महेंद्र, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पदमा फिर वही घिसी पिटी बातें, जिस लड़की को देखो हर तीसरे महीने शुरू हो जाती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे बच्चे? अरे मैं तुम्हारे क्या, मैं तो यहाँ सुबह आता था शाम आता था, दोपहर को यहाँ कौन कौन आता था? क्या सच्ची बात पड़ी लगी? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? अरे मेरे गले पड़ना है तो बाजार में जाकर ढिंडोरा पीटो, घंटा घर पे चढ़ जाओ और दुनिया वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहो कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, और तब भी काम न बने तो मेरे पास तरकीब है। ध्यान दो जरा, पद्मा माँ बनने वाली है तो मुझसे कहने लगा कोई बात नहीं है घर पाठ करवा लो। मैंने कहा छी 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 तुम कैसी बातें कर रहे हो, घर पाठ तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तुमने कहा जाओ लाल किले की ऊंची दीवारों पर चढ़ जाओ, वहां जाके नारे लगाओ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, और अगर फिर भी तुमको तसल्ली ना मिले रेडियो सिंगर रेडियो स्टेशन चले जाओ, मेरी बदनामी के गीत जाकर गाओ। आप चुप हैं मोर साहब, ध्यान रखिए आप बेशक खामोश रहें लेकिन मैं खामोश रहने वाला नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहूंगा, चाहे मुझे ईंट का जवाब पत्थर देना पड़े मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं इंसाफ देकर रहूंगा। मैं अपनी वसीयत बदलने आया। क्यों महेंद्र का नाम आप? मैं कुछ नहीं करना चाहता उसके नाम। ऐसा क्यों? वकील साहब औलाद ना हो दुख होता है, औलाद हो और मर जाए बहुत दुख होता है, लेकिन औलाद हो और नालायक तो बर्दाश्त नहीं होता। आइए पुरानी वसीयत इधर ही होगी इसी अलमारी में, बाबूजी इस कमरे में किसी को नहीं आने देते। का मतलब विद्या कुंवर साहब से प्यार करती थी और हीरा कुंवर साहब का बेटा है। कुंवर साहब वाह, ये औलाद है मेरी ये, और ये है मेरे दोस्त वकील साहब, मेरी वसीयत चुराने आए थे आप, यही वसीयत है मेरी चुराइए। कुंवर साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो आप होंगे, आप अपनी बेटी के सामने जो यहाँ इसी घर में सो रही है, जिस वक्त उसे अपने बाप की असलियत मालूम पड़ेगी वो भी आपसे उतनी नफरत करेगी कौन साहब जितनी मैं अपनी औलाद से करता हूँ। मैं पूछता हूँ आपसे बाबूजी, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों यहाँ से दफा हो जाइए। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, जाओ यहाँ से निकलो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, जरा सी गलती के लिए बेटे को घर से निकाल रहे हैं। मुझे ऐसी जलील औलाद नहीं चाहिए इस घर में, और अगर तुम्हें अपनी औलाद के साथ बहुत हमदर्दी है तुम भी इनके साथ दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से अब जाओ। सिर्फ तुम्हारे बाप की जायदाद का वारिस नहीं है बल्कि मेरी भी सारी जायदाद उसी की है। आपकी जायदाद वो कैसे? उसकी माँ अपनी सारी जायदाद हीरा के नाम कर गई थी, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी फुटपाथ पे आना पड़ेगा, अगर तुमने जरा सी भी देर की तो याद रखो तुम्हें जिंदगी भर भीख मांगनी पड़ेगी। तुम्हारा भी कोई हाल होगा जो कल हीरा का था, तुमने तो उसे नौकर रख लिया लेकिन वो तुम्हें नौकरी भी नहीं देगा, क्या करना चाहिए? हीरा तुम्हारा भी दुश्मन है और मेरा भी, मैं तो तुम्हारे बाप ने मुझे जलील करके तर बदर कर दिया, इन दोनों कांटों को हमेशा के लिए जिंदगी से अलग करना होगा, उन्हें मिटाना होगा, मैं तुम्हारे लिए यही फायदा रहा है। बाबूजी कोई देखो मैं तुम्हारे बाप जिंदगी देख चुके हैं और तुम्हारी जिंदगी शुरू कर दी है। किसी भी तरह कुंवर साहब को लेकर के चलन वाली पहुंचो, मेरा 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 को मार डालेगा। वो
साहब को चंदनवाड़ी में कुछ बदमाशों ने घेर रखा है, उनकी जान को खतरा है, तुम जल्दी से वहां पहुंचो, मैं पुलिस को लेके आता हूं। क्या हुआ हीरा को? महेंद्र बाबू के गुंडे उसे बुरी तरह पीट रहे हैं। कहां? चंदनवाड़ी में। ये मेरे हीरा रणवीर सिंह को जान से मारना चाहता है, तुम्हारे बाप ने भेजा है। क्या? ये चंदनवाड़ी का है। चंदनवाड़ी? चंदनवाड़ी उस पहाड़ी के पीछे, और इसका शॉर्टकट इधर से है। तुम जाओ, मैं इसे संभालती हूँ। संभाल के जाओ। बाबा साहब, वकील साहब, सब ठीक है ना? फिकर मत कर, मैंने ऐसा मोहरा फिट किया है कि बाप और बेटा एक दूसरे को बचाने के लिए यहाँ आते होंगे। बाबूजी, बाबूजी, हीरा, 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 बाबूजी, हीरा, बाबूजी, बाबूजी, नीरज तुम ठीक हो? हाँ बाबूजी, आप ठीक हैं? मुझे तो वकील साहब ने कहा कि आपकी कुछ गड़बड़ लगता है बाबूजी। अरे गड़बड़ क्या? You bastard! बाबू, बाबू, ये क्या किया बाबू? मेरे लिए तुमने अपना खून बहा दिया। बाबूजी, बंदर, ये सब क्या हो रहा है? ये खून नहीं है बच्चा, ये तो दारू है जो जिंदगी भर तेरे नाम पे पिया है। बच्चा, मैंने तेरे को इतना दुख दिया है कि मैं नरक में जाएंगा। पंडेवा शपथ, अब जरा इज्जत से जाएंगा ना, है ना बच्चा? बाबू, मेंढक, ये क्या रहा है? यही मौका मार दे गोली। बाबूजी, बाबूजी, मेरी फिक्र मत कर हीरा, इस कमीने को पकड़ के ले। तुमने मुझे घर से बेइज्जत करके निकाला था, आज मैं तुम्हें दुनिया से निकाल दूंगा। महेंद्र बाबू ने आपके सारे आदमियों को आपके खिलाफ कर दिया है। ये चाबी हीरा बाबू ने मुझे दी थी, ये उस अलमारी की है, इसमें सारे हथियार हैं। आगे बढ़ो चूहे, बढ़ो। रुक जाओ। अब उनसे कहो कि अपने अपने हथियार फेंक दे। बोलो, हथियार फेंक दो। अब अपना तमंचा मुझे दे दो और मेरा दवाखाना तुम ले लो। वहीं रुक जाओ, वरना ये थर्मामीटर मुंह में डाल दूंगा। पुलिस स्टेशन पर अब हवालात की हवा खाइए। डॉक्टर, ये आपने बहुत अच्छा किया। अरे पकड़ो, पकड़ो, भागो, भागो, पकड़ो। आओ,
रहा तुम्हारा धर्मात्मा, देख लो इसका असली रूप। कुंवर साहब, बहुत दिन हो गए और आपने बच्ची खबर तक नहीं ली। मैं तो सोचता था कि मुझे बुलाकर आप ये कहेंगे कि लड़की आपकी हो गई और लड़का मेरा हो गया। भला सोचिए, आपके भी जवान बेटी है, अगर उसके साथ ये सब कुछ होता तो आप क्या चुप रहते? आपकी खामोशी ने मुझे मजबूर कर दिया है। कुंवर साहब, आज या तो इंसाफ होगा या मामला साफ होगा। खामोश है भाइयों, बढ़ो बढ़ो। रुक जाओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं 25 साल पहले वाला रणवीर सिंह बन जाऊं जो आदमी को आदमी नहीं समझता था। भाइयों, बदल आ गए। इंसान को भुगतनी पड़ती है, लेकिन अपना जुर्म कबूल कर लेने से उसकी सजा छीनना आसान हो जाती है। चल बाबूजी के सामने चल, अपना जुर्म कबूल कर। चल। इंसाफ तो मैं तुझसे मांगता हूं लाला, तुझ जैसे खुदगर्ज इंसानों ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है। बोल, क्या सजा दूं तुझे लाला? बोल बाबूजी। लीजिए, ले आया महेंद्र को। चल माफी मांग। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। तू मेरा खून नहीं है, मेरा खून नहीं है तू। तू मेरे गुजरे हुए कल की वो कालिक है जो आज मेरे चेहरे पे मली जा रही है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दिल में आता है तुझे यही खत्म कर दूं, ताकि तेरे साथ मेरा घिनौना माजी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैंने आज तक तेरी हर जायज नाजायज जिद पूरी की है और आज मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। मुझे मारना चाहता है ना? ले चला गोली। बाबूजी, मैं गुनेगार हूं। अपने बाते की कालिक को अपने हाथों से मिटा दीजिए इस कलंक को। आइए आइए वकील साहब, जल्दी आओ। वकील साहब को तो पकड़ लिया, भाग रहे थे। दूसरी पार्टी उधर जीप में है और तीसरे हमारे ये छोटे सरकार। चलिए मिस्टर महेंद्र। बाबूजी, इन्हें रोक लीजिए बाबूजी। अगर ये मेरे महेंद्र को ले गए तो मेरा क्या होगा बाबूजी? मेरे फिक्र मत करो पद्मा, तेरे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा, अपना बनाएगा तेरे को। हीरा जी, तुम क्या कह रहे हो? हाँ मोहिनी, तुम्हारे पास दुनिया का सब कुछ है, मुझे भूलकर तुम अपनी जिंदगी गुजार सकती हो, लेकिन इस कहानी का अंजाम क्या होगा मुझे मालूम। फिर से एक लावारिस पैदा होगा, फिर से वो दुनिया की ठोकरें खाएगा, जिंदगी का जहर पी पी कर या तो वो मर जाएगा या फिर अपन जैसे पाप के कांटों वाला झाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। अपना ले लो, अपन को
नहीं हीरा, वो पाप के काट वाला झाड़ नहीं बनेगा, क्योंकि वो लावारिस नहीं कुंवर रणवीर सिंह का खून कहलाएगा। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसे। अभी अब उनके लिए क्या हुक्म है बाबूजी? हीरा तुम अगर ओ समझ गया बाबूजी, समझ गया। जाता है बाबूजी। हीरा कहाँ जाओगे? जिधर भी चला जाएगा बाबूजी, अनिरा नहीं रहेगा। आप समझना, एक नौकर था आपके पास, नौकरी किया चला गया बाबूजी, चला गया। हीरा, हीरा रुक जाओ, हीरा हीरा रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ, मत जाओ हीरा, मत जाओ, रुक जाओ हीरा, मैं भी आ रही हूँ। हीरा रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ हीरा, रुक जाओ हीरा, रुक जाओ हीरा, हीरा रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ, मत जाओ हीरा, मत जाओ, रुक जाओ हीरा, रुक जाओ हीरा। देख मैं कितना बदनसीब बाप हूं, जिसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। हीरा रुक जा हीरा, लावारिस तू नहीं, लावारिस तो मैं हूं। रुक जा मेरे बेटे। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटे, बाप की चिता को बड़ा बेटा ही आग लगाता है। मेरा यह हक मुझसे मत छीन, मेरा यह हक मुझसे मत छीन मेरे बेटे। वापस आ जा मेरे बेटे। बाबूजी